थी और वो दिख नहीं आ रहा था, तो मैंने इसीलिए ये स्टिकर लेके अभी हम जो घर पे स्टिकर बनाता है इससे हम छोटा वाला बॉक्स बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए ये हमने लकड़ी की कट कर लिया, कट करने के बाद इसको फिक्स कर लेंगे। तो चलिए ये सभी प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी से बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा और आपको चला के भी दिखाएंगे। इन पीसों को असेंबल कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, पहले थोड़ी थोड़ी सी पीले कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेनी है, उसके बाद इसको यहाँ पे रख के हम लोग सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर निकाल के इसमें एक क्रॉस बना लिया कुछ इस तरह से। क्रॉस बनाने के बाद इसके सेंटर में एक हमने कील गाड़ दी है। कील गाड़ने के बाद हमने यहाँ पे 4.5 इंची का हमने जो था निशान लगा के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से लेके पेंसिल से इसको राउंड शेप में घुमा दी। ये हमने धागे से बांध रखा था इसको, तो जब हम राउंड शेप में घुमाएंगे तो ये बिल्कुल गोल गोल निकल जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ड्रिल है ड्रिल से चारों तरफ से होल निकाल देंगे। होल निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, बाकी सैंड पेपर से घिस के इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। चलिए फटाफट से इसमें ड्रिल से होल निकाल देंगे। ये सब हम सेटअप हटा देते हैं। अब ये जो सर्कल ऑफ है ये पूरा 9 इंची का है, ठीक है, यहाँ से भी जान सकते हैं, सिर्फ चेक करोगे। तो चलिए ड्रिल से इसमें होल्स निकालते हैं। दोस्तों ये हमने कटर से कट कर लिया है, तो इसका बीच का जो पीस है इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि जब हमारा स्पीकर यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स हो सके, ठीक है। हमने इसमें होल निकाल लिया है और सैंड पेपर की मदद से इसको थोड़ा सा घिस के स्मूथ कर लेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपने देखा कि हमने इसमें होल निकाल लिया है। चलिए अब ये जो हमारा स्पीकर इसमें सेट करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा इसमें स्पीकर है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसको, ये जो हमने बॉक्स बनाया था इसमें थोड़ा सा गैप दिया, उसको यहाँ पे सेटअप करेंगे कुछ इस तरह से। ये जो होल वाली पत्ती है उसको पूरी जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे और आगे यहाँ पे बंद करके ये जो हमने आपको पाइप दिखाई थी यहाँ पे वो लगाएंगे, या नीचे लगा देंगे या साइड में कहीं पे भी, ताकि ये जो होम थिएटर की तरह हम इसको यूज कर सकें। तो ओके दोस्तों, आपने देखा कि हमने ये जो पीस था ये होल के साथ कट कर लिया था। तो ये हमारे पास एक फैब्रिक शीशी है बड़े बड़े, तो ये हमारे पास बड़ी है जो शीशी है, तो इसके साथ हम इसको अंदर से चिपका देंगे अच्छी तरह से। तो चलिए इसको फटाफट से फैब्रिक की मदद से चिपकाते हैं और बाद में से साइड में से एक एक दो दो कील ठोक देंगे। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने इसमें पूरे के पूरे में फैब्रिक डाल दी है ताकि अच्छी तरह से एयर टाइट हो जाए, ताकि जो जो हमारा स्पीकर का प्रेशर है वो बाहर वगैरह ना आने के लिए। तो अब हम इसे स्पीकर फिट करके पीछे से होल निकाल के तारे बाहर निकाल देंगे। चलिए ये भी काम फटाफट से शुरू करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर फिट करना है कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पर पेंसिल से इसकी मार्किंग लगा ली है, तो अभी हम यहाँ पर इसमें होल निकालेंगे ताकि इसको हम फिट कर सकें। इसलिए हम ड्रिल का यूज़ करेंगे। ड्रिल से आप इसके चारों साइड में गोल गोल होल निकाल देंगे।
दोस्तों हमने इसमें होल निकाल ली है, अब इसको हम बाहर निकाल देंगे। हमने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। हमने देखा कि हमने इसके चारों साइड में जो नीचे लकड़ी का बोरा था उसको डाल के और उसमें फाइबर शीट लगा दिए, ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए और ये डिलीवरी ना। चलिए अब इसको हम लोग साइड में कर देते हैं। ये हमारा का जो इसका पार्ट था वो भी कम्प्लीट हो गया। जो वायर वगैरह है वो इसमें फिट करते हैं, इसको करते हैं हम लोग साइड में। तो यहाँ पर जो स्पीकर है उसको फिक्स करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, हमने ये जो स्पीकर की वायर है ये शोल्डरिंग कर ली है। तो चलो इसमें हम पहले इसको गांठ मार दिए जब कभी वायर खींची जाए तो बाहर ना। चलिए फटाफट से इसको ऊपर से बंद करते हैं। तो ओके फाइनली दोस्तों, हमारा जो स्पीकर है वहाँ के बॉक्स रेडी हो चुका है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यूट्यूब पे हम लोग म्यूजिक चला के चेक करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है।